चिट्ठी की ढेरी जैसे रब्बा लहरों में मिलके खो जाए काफी देर से मैं समीर के साथ ही बैठी हुई थी और मैंने उसे मना लिया और उसने भी मुझसे सॉरी कर लिया है, इस बात का इकरार भी कर लिया है कि उसने मुझे तलाक नहीं दी, घर से निकाल दिया। मगर वो गई कहाँ और क्यों? क्यों का जवाब तुम रहने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि वो अब इस घर से जा चुके हैं। मैंने आपके बारे में बहुत बहुत बुरा ख्वाब देखा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। तो फोन कर लेती, इतनी रात को अकेले आने की क्या जरूरत है? आप मुझे ये सजा क्यों दे रहे? सजा? सजा तो तुम्हें जितनी मैंने देनी थी वो दे दी, अब तो तुम्हें सजा से निकालने का वक्त है। नहीं वासी, ऐसा नहीं है। वो सब तो ख्वाबों और ख्यालों की बातें थी जो सिर्फ बंद आंखों में रहती हैं। और आप तो खुली आंखों का सच है। पहली ख्वाहिश और पहली मोहब्बत ना सही, मगर हां आखिरी ख्वाहिश और आखिरी मोहब्बत जरूर है। हम राज या तो राज खोले, झूठ बोले हंस के जुबान। क्या हुआ बेटा, आज तुम वॉक पे नहीं गए? आंख जरा देर से खुली मेरी। मैं समझी कि तुम और मोमना वॉक पे गए हो। मैं कमरे में गई थी उसके, वो मौजूद नहीं थी, तो मैं तो बहुत खुश हुई कि तुम दोनों आज वॉक पे एक साथ गए हो। वो असल में रात से अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रात से गायब है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है, जा चुकी है घर से। ये तुम क्या कह रहे हो समीर, कहाँ जा सकती है? जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, वो घर में नहीं है। वॉचमैन ने भी बताया वो टैक्सी लेकर कहीं चली गई है, मैंने फोन भी किया, उसका फोन भी बंद है। ये क्या कह रहे हो, वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है, कहाँ गई होगी? मुझे लगता है कि नताशा ने उससे कुछ कहा। क्या, नताशा ने कुछ कहा? हाँ, मेरी कल रात मोमिना से बात हुई थी, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे कॉफी बनाने के लिए कहा और अपने कमरे में आ गया। मैंने उसे बहुत पूछा मगर वो टाल गई, ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाह रही है। कि यकीनन आई तो बताने ही है, वरना रिफत उसे ना आने देती। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं पता कर लूंगी उससे।
अल्लाह करे सब ठीक हो। रात को नींद भी नहीं आती, पता नहीं जिंदगी में और कितनी आजमाइशें लिखी हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, आप जानती तो हैं कि वो गुस्से की कितनी तेज है और जज्बाती भी है। गुस्से में आकर कोई फैसला कर लिया होगा, वरना वहां ऐसी कोई बात हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि समीर भाई और रिफत आंटी तो बहुत समझदार हैं। कहीं समीर अपने फैसले पे पछताना रहा हो और मोमना ने उसके रवैये से बात महसूस ना की हो, इसलिए तो नहीं आ गई। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अच्छे खासे मैच्योर इंसान है और मुझे यकीन है कि उन्होंने मोमी से शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर ही किया होगा, तो ऐसी कोई बात हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और रही बात रिफत आंटी की, तो वो मोमी का बहुत ख्याल रखती है, उसको बहुत प्यार करती है, मोमी ने खुद मुझे बताया है। जानती हूँ मैं, मगर पता नहीं क्यों दिल में अजीब वसवसे और अंदेशे होने लगते हैं। अम्मी आप फिक्र मत करें, बस दुआ करें सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा अम्मी, मैं जरा नुमान को देखा हूँ, उनके ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, उन्हें नाश्ता करवा कर आती हूँ। नसरीन, नसरीन। नहीं मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अरे वहां पे बहुत अजीब से लोग आते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तुम चलोगे क्या? सही है, फिर तो जरूर चलेंगे। अच्छा चलो मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। अरे सासू माँ आइए ना। बकवास बंद करो, ना पहले मैं तुम्हारी कभी सास थी, ना अब मैं तुम्हारी सास हूँ। पहले भी तुम जबरदस्ती इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ घुस आई थी, आज भी तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में आई हो। अरे अरे इतना गुस्सा ना करें, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी सेहत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? यहाँ पर है कौन? पहले तो इतने साल तुम यहाँ रही, मेरी सेहत की तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी, अब ये मोहब्बत कहाँ से फूट पड़ी? समझा करें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं अपनी तमाम गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ। गलतियों की तलाफी या मजीद संगीन गलतियां? खैर ये फजूल बहस को छोड़ो, ये बताओ कल रात तुमने मोमिना से क्या कहा था? मोमिना से? मैंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो मुझे मिली भी नहीं रात में। झूठ मत बोलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने जरूर कोई उससे ऐसी बात की है जो वो बताए बगैर चली गई है। वो चली गई है, इसका मतलब है काफी समझदार है, मौके की नजाकत को समझकर उसने समझ लिया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पर। तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? तुमसे तो मैं बात में निपटूंगी, मैं जरा भी मोमना से बात करके आती हूँ। लेकिन मुझे खुद बताया था रिफत ने कि समीर ने उसे तलाक दे दी है, फिर वो भला वहां कैसे आ सकती है? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो तो पिछले कई दिनों से वहां रह रही है। मुझे कहा था कि तलाक हो गई है, मगर नताशा कहती है कि तलाक नहीं हुई थी, अलैदगी हुई थी और अब वो वापस आ गई है। तो क्या रिफत आंटी कुछ कहती नहीं है उसे? कहने वाली कौन सी बात है, अगर उसे तलाक हो गई तो रिफत ने उसे आने ही क्यों दिया, और क्या वो उसकी मर्जी के बगैर वहां रह सकती है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही अम्मी। मम्मी और समीर तो मुस्तकिल यही कहते हैं कि तलाक हो गई है और वो वहीं रह रही है, उसे कुछ कहते भी नहीं है, उसके आगे बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। लेकिन अगर तलाक हुई है तो उसके पेपर्स भी तो होंगे ना, अगर समीर भाई कहते हैं कि तलाक हो गई है तो पेपर्स भी तो दिखाएं। वो कहते हैं कि पेपर्स हैं मगर वकील के पास, और वकील मुल्क से बाहर है। बताओ। अच्छा मैं रिफत को फोन करती हूँ। हेलो
मोमना, तुम यहाँ पे किसी को महसूस नहीं होने देना कि तुम नाराज होकर आई हो। रिफत का फोन। अम्मी, उन्हें बिल्कुल ये मत बताइएगा कि मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बता दिया, प्लीज। ठीक है। हेलो, मोमिना ने अपनी माँ से ये कहा कि उसने उनके लिए बहुत बुरा ख्वाब देखा है, इसलिए वो ड्राइवर के साथ आ गई है। जब मेरी मोमिना से बात हुई तो वो बहुत शर्मिंदा थी और उसने ये कहा, नताशा ने उससे ऐसी वैसी बातें की कि वो बहुत घबराकर इस घर से चले गई। यकीनन उस मक्कार ने कुछ ऐसी बात की होगी जिससे उसको बहुत बुरा लगा होगा और वो इस वजह से घर चले गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने मोमिना को कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था, और जब मैं कमरे से बाहर निकला तो कॉफ़ी का मग पड़ा हुआ। हाँ, उस वक्त नताशा मेरे कमरे में थी और मैंने उसे डांट के बाहर निकाला था कमरे से। हो सकता है मोमिना ने उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा हो और सारी बात वहीं हुई हो। यकीनन बेटा, जब वो तुम्हारे कमरे से निकली होगी ना नताशा, उसने मोमिना से यही कहा होगा कि वो हंसी खुशी तुम्हारे साथ बैठी थी, और कोई भी बीवी अपने शौहर के प्यार को बांट नहीं सकती, चाहे तुम्हारा ताल्लुक उससे कैसा भी हो। लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि नताशा किसी प्लानिंग के तहत आई है, इसलिए इसकी परवाह ना करे। बेटा, जब नताशा को उसने तुम्हारे कमरे से निकलते देखा होगा तो उसकी बात पे यकीन कर लिया होगा उसने, जो कुछ नताशा ने कहा होगा उससे। अब तो बस इसका एक ही हल है, जितनी जल्दी हो सकती है तुम पेपर हासिल करने की कोशिश करो ताकि घर का माहौल अच्छा हो। घर का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। करता हूँ, फिक्र ना करें। हाँ बेटा, जितना जल्दी हो सकता है ये करो, और ये मुसीबत को यहाँ से टालो, निकालो किसी तरह। तुम कब आई सुबह सुबह? मैं हमेशा सुबह ही आती हूँ। समीर मुझे ऑफिस जाते हुए यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, मगर इस बार मैं रात को आ गई थी। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे सवाल कर सकूं? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ फिर। हाँ, वैसे हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरी बदकिस्मती थी वो। तो अब क्या मैं इतना बुरा हो गया? नौफल, तुम उसी दिन मेरी नजरों से गिर गए थे जिस दिन सबके साथ मिलकर तुमने भी मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला था। लेकिन कीचड़ उछालने वालों में से सबसे आगे तुम ही खड़े थे। मम्मी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी तलाफी का वक्त अब गुजर चुका है। मुझे जिसने इस बदनामी से निकाल कर अपनाया है ना, मुझ पर एतबार किया है, मुझे अपना नाम दिया है, वही मेरा दोस्त कहलाने के लायक है, और वही मेरा दोस्त है। सोच लो, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा होगा, या हो सकता है वो भी तुम्हें धोखा दे और शायद वो भी तुम्हारी दोस्ती के लायक ही ना हो। ये सिर्फ सोच है तुम्हारी, ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रफीक, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा दिमाग कहाँ खोया रहता है आजकल? गाड़ी ठीक तरीके से साफ क्यों नहीं कर रहे हो? सर, मैं सारा बीबी की दवाई लेने गया था। अच्छा, जाओ गाड़ी साफ करो जाके, और अंदर से साफ करना गाड़ी, बुरा लगता है। ठीक है, मैं भी साफ कर दूंगी। नमान, मैं लंच भिजवा दूंगी, बाहर से कुछ मंगवा कर नहीं खाना दूंगी। समझ गया हूँ। दो चार रसीदें अगर रह गई हो तो वो भी कर दीजिए। और नुमान, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट, आ जाओ। अल्लाह निगेबान तुम्हारा। मामा, आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे मैं ऑफिस से ही कहीं जंग लड़ने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा, घर से हमेशा दुआओं के साथ निकलना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी जा रहे हो।
रुमान अली शाह कौन है आपके साथ? जी मैं हूं नुमान। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है जनाब। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे पे इल्जाम क्या है? किस चीज का वारंट है ये? मैं नुमान का बाप, क्या मैं जान सकता हूं कि ये वारंट क्यों है? क्या जुर्म किया मेरे बेटे ने? इन पर अपनी बीवी पर तशद्दुद करने का इल्जाम है। जी और इस वक्त वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ी हुई हैं। मेरी बीवी? मगर मेरी बीवी तो ये है। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बीवी मैं हूँ। देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई हूँ। और देखें जनाब, ये सब बातें आप थाने चलकर कीजिएगा। हमें तो कोर्ट से ऑर्डर मिला है आपको गिरफ्तार करके लेके आने का। आप इस तरह से मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। इस पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया। जब हम कह रहे हैं कि इसकी बीवी ये खड़ी है, तो फिर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? ओ बीबी, कानून जबानी बातों पर यकीन नहीं रखता है। अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो आप अदालत में पेश कीजिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने वकील से बात कर लूं। वकील को थाने लेकर आ जाइएगा। अलाबख्श। यस सर। अरेस्ट करो इनको, लेके चलो थाने, लेके चलो इनको थाने। नुमान प्लीज चाचा जान, इन्हें रोके चाचा जान। वासिफ कहां लेके जा रही है मेरे बेटे को? आप वकील को फोन क्यों नहीं कर रहे? जलील होके रह गए, एक दिन देखना रह गया था। हेलो जी वकील साहब, वकील साहब आसिफ बोल रहा हूं मैं। नुमान तुम फिक्र ना करो, वासिफ फोन करे ना वकील को। अच्छा मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा तुम मोमना को ले आते तो अच्छा था। मैं जा तो मैं भी सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे जाने की बात कुछ और है। मैं उन लोगों के सामने कैसे जा सकता हूँ? उसने नताशा के बारे में लोगों को बता दिया हो तो? अरे बेटा उसने घर में कुछ भी नहीं बताया है। मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरी फातिमा से बात हुई थी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो रही थी। अभी समीर तुम्हें लेने जा रहा था। ये मुझे लेने आ रहे थे? हैरत है, पर ना मुझे तो बताया गया था कि इन्होंने बहुत मजबूरन मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया और अब पछता रहे हैं। बल्कि इन्हें तो अपनी गुमशुदा मोहब्बत बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। क्या वो बताने वाला इतना मोतबर है बेटा कि तुम उसकी बात पर यकीन कर लोगी? मैं अपनी बात को बार बार दोहराने का आदी नहीं हूं। अगर आपको मुझसे ज्यादा उन पर यकीन है तो आप अपना फैसला खुद कर सकती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जबरदस्ती कल मेरे रूम में घुस आई और मैंने उसे जलील करके कमरे से बाहर निकाला। मैं तो आपकी कॉफी का वेट कर रहा था और जब मैं कमरे से बाहर निकला तो वो मग बाहर पड़ा हुआ था। बेटा वो बिल्कुल सच कह रहा है। तुम्हें पता है ना, नताशा हर मुमकिन कोशिश कर रही है तुम्हारे इसके दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की। इसको समझने की कोशिश करो मेरी बच्ची। अल्लाह तो करम करते। आसिफ का फोन आया बेटा? नहीं अम्मी, वो कहकर गए थे कि एक दो घंटे में ले आएंगे उनको, पर अब तो 4-5 घंटे हो गए। तो तुम ही कॉल कर लेती बेटा।
मम्मी पता नहीं वो कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, इसीलिए मैंने फोन नहीं किया। पर मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ ये सारा किया धरा उस बीनेश का ही है। अम्मी जाहिर है उसी का है, नौमान की तुम्हारे अलावा वही बीवी है। मुझे तो समझ में नहीं आता अम्मी कि आखिर वो चाहती क्या है। नौमान ने उसको अपना सब कुछ दे दिया, क्या चाहिए उसे अब। वो घर छोड़कर खुद गई थी, उनसे ताल्लुक खुद खत्म किया था उसने। बेटा अगर तलाक के बाद वो कानूनी कार्रवाई कर लेता ना तो ये सूरत हाल कभी भी ना होती। अम्मी वो अभी तो हॉस्पिटल से आए थे, उन्होंने सोचा था कि जैसे ही तबीयत बेहतर होगी वो वकील साहब से बात कर लेंगे। अम्मी मोमी कहाँ? रिफत का फोन आया था, मैंने मोमना को समझाया कि तुम रिफत और समीर की बातों पर भरोसा करो ना, ये गैर औरत के कहने पर तुम घर छोड़कर चली आई, बुरी बात है। हाँ अम्मी, समीर साहब बहुत अच्छे इंसान है, जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया वो उनकी आला जर्फी का ही सबूत है, ऐसा इंसान झूठ नहीं बोल सकता। अम्मी ठीक कह रही हो तुम, हो सकता है मोमना ने मेरी बात पर गौर किया हो और जो रिफत ने फोन किया ना, शायद मोमना को एहसास हो गया। जब तुम नौमान को नाश्ता करवा रही थी ना, उसके बाद उसने मेरे साथ नाश्ता किया और घर चली गई। अल्लाह मेरी बच्ची के हक में भी बेहतर करे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रही, जबकि हर गुजरता हुआ लम्हा मुझे तुम्हारे और भी करीब ला रहा है। हाल बता, मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर वो तो उसे छोड़ के जा चुकी है। कोई सबूत है हमारे पास? वो जख्मों से चूर पड़ा हुआ थाने में, और उसने थाने में ये स्टेटमेंट दिया है कि उसने दूसरी शादी की और उसको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है और मोमना को हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, इसके बाद अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो देख लेना फिर।